गुड मॉर्निंग। ठंडी आ गया ना, हर जगह पे ठंडी आ चुका है। खैर मेरे यहाँ पर ठंडी तो कम है, लेकिन ठंडी तो है। हाँ बहुत कम है लेकिन है, लेकिन बहुत सारी जगह पे बहुत ज्यादा ठंडी है। बहुत लोग ठंडी का मजा बहुत अच्छे तरह से ले पा रहे, खैर हम लोग उतना अच्छे से नहीं ले पा रहे। तो जो भी हो, तभी भी तो ये ठंडी के मौसम में हम लोगों का एक जो चीज है जो कम ज्यादा हर कोई ठंडी के मौसम में वो लेते हैं, वो क्या है ना, टी या कॉफी, है ना। तो ये टी या कॉफी जो है, आज मैंने ना वही सोचा, आज सुबह मैंने क्या हुआ ना, आज सुबह जो बेसिकली मैंने सुबह चाय नहीं पी, तो हस्बैंड निकल जाने के बाद मैंने सोचा कि नहीं अभी थोड़ा चाय चाय का मन हो रहा है, तो क्यों ना चाय बनाया जाए। चाय बनाने के लिए मैंने सोचा चाय बनाऊंगी, तो क्यों ना मैं आज इससे चाय बनाऊं। उस दिन आप लोगों को दिखाया था ना कि आज मैंने सोचा, मेरे दीदी नंबर वन से मेरे को जो मिला था हेवल्स कॉफी मेकर क्रिस्टल का, ये हेवल्स क्रिस्टल का है ये, हाँ यस, ये देखो हेवल्स क्रिस्टल। तो जो भी हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसमें बना, इसमें सब दो ही आप बना सकते हो, चाय कॉफी जो आपका पसंद है। अगर आप मेरे जैसे पेट का इंसान हो, मतलब कॉफी अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे हेवल्स का इसमें आप बना सकते हो चाय भी। तो चलो आज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो कि है कॉफी मेकर में चाय हम लोग कैसे बनाते हैं। बहुत आसान तरीके से बनता है। खैर इसमें जो है कुछ चीज मैं बोल दूं आप लोगों को, इसमें ये मैं बहुत साल पहले यूज करी थी, उसके बाद तो मैंने रख दिया था। तो इसके साथ मैनुअल दिया रहता है अंदर में, तो आपको पता चलेगा, लेकिन तभी भी एज ए मतलब क्या बोला, एज ए यूजर मैंने यूज किया, तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि मैनुअल में तो गाइड रहता है, लेकिन जो है कि जो लोग यूज किए हैं ना उन लोगों का रिव्यू ज्यादा अच्छा आता है, कि प्रैक्टिकल एकदम मिल जाएगा आप लोगों के आंखों के सामने। तो इसलिए सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर भी जो है इसका जो बॉडी है, ये देखो इसके बॉडी में भी इंडिकेटर ये जो दिख रहे हो, ये देखो यहाँ पर 200 ml लिखा है, ये मिनिमम है और 700 ml मैक्सिमम है, मतलब उसके ऊपर आप लोग नहीं जा सकते हो। खैर ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स है, तो वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और उसके साथ में और एक चीज भी आप लोगों को दिखाऊंगी, वो क्या है ना, टी बनाना, चाय बनाना, जो भी बनाओ, बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसको क्लीनिंग का प्रोसेस, ये क्लीनिंग का प्रोसेस जो है मैं तो बोलूंगी बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन है, बहुत ही अच्छे से आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हो जाएगा टाई टाई फिश हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो भी हो, तो चलो फिर बनाते हैं और उसके बाद उसका क्लीनिंग का प्रोसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आ गए हम लोग किचन में और यहाँ पर देखो ये जो केटल है, ये केटल को अभी मैं मतलब इसको साइड में रख रही हूँ मैं, और ये जो है ये सेपरेट पोर्शन है, इसको हम लोग प्लग में इन करेंगे और आप इसको इसके ऊपर सेट कर देंगे, हो गया। अभी इसको ओपन करेंगे, ये देखो ये ओपन हो गया, होने के बाद ना इसको निकाल लेना पड़ेगा, ये निकाल लिया और यहाँ पर मैंने पानी ले लिया चाय बनाने के लिए। यहाँ पर एक चीज नोटिस रखने का जरूरत है जो कि मैंने पहले भी बोला, देखो ये है 200 ml मिनिमम, इतना तक पानी आपको देना ही पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा 700 मैक्सिमम 700 ml, इसके ऊपर भी आप नहीं जा सकते हो और इसके नीचे नहीं। तो मैंने इतना पानी दे दिया, अभी मैं पहले इसको जो है कि गर्म होने के लिए मैं दे दूंगी। अब यहाँ पर ये जो स्विच देख रहे हो, मेन पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद यहाँ पर ये हम लोग ये ऑफ है, ठीक है, ये देखो ये ऑफ है, इसको ये हो गया ऑन। तो अभी पहले इसको थोड़ा सा पानी को गर्म होने के लिए देती हूँ। जब तक मेरा यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैंने देखो कप ले लिया और कप में मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ, क्योंकि मैं मिल्क जो है कि मैं मिल्क टी बनाऊंगी और मैं मिल्क पाउडर डाल के मैं जो है कि चाय बनाती हूँ, मैं पसंद करती हूँ। ये पानी गर्म हो गया है, अभी मैं इसको ना मैं बंद कर दी स्विच को और मैं थोड़ा पानी में ले लूंगी।
मैं इसको दे दूंगी, लेकिन ये देने के टाइम में एक चीज याद रखिए, ये कितना भी इसमें कुछ भी आपका क्यों रहे ना रहे, तभी भी हम लोग इसको देंगे यहाँ पर ही देंगे, ताकि कुछ भी अगर लम्स रहेगा मिल्क का कुछ भी रहेगा तो यहाँ पर से ये एकदम पूरा क्लीन हो जाएगा। ठंडी का मौसम है और अदरक टी जिंजर टी अच्छा ना लगे ऐसा कोई नहीं है, तो ये भी हम लोग देंगे, तो ये भी हम लोग यहाँ पर दे दे रहे हैं। इसके ऊपर चाय पत्ती और जो है कि चीनी सब यहाँ पर दे दे रहे हैं। बस अभी इसको मैं बंद कर दूंगी, स्विच को मैं ऑन कर दूंगी। देखो ये हो रहा है, इसके पीछे और कुछ भी नहीं करना है, जब इसका परफेक्ट लिकर आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक खुद से ही बंद हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये चाय होके आपका रेडी रहेगा, आप कुछ भी काम करने के लिए क्यों ना चले जाओ, कोई परेशानी नहीं। खाली जो है मेन ये जो है ये इसको आपको पावर सप्लाई को ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप इसको टाइम पे, जैसे गैस में हम लोग जब बनाते हैं टाइम से देखना पड़ता है, नहीं तो वो करवा हो जाता है, ये सब एक बहुत प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पर कुछ नहीं, ये ऑटो कट होगा, जब आपका चाय रेडी हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये देखो अभी एक गुरगुर जो आवाज आ रहा था ये बंद हो चुका है, मतलब ये मेरा हो चुका है। अभी और कुछ नहीं, अभी मैं चाय को निकाल लूंगी और सब मतलब होने के बाद एक बार हम लोग ऊपर का देखते हैं। ये देखो बस अभी मैं इसलिए इसको बंद कर दिया, अभी इसको मैंने यहां से खोल लिया क्योंकि इसके साथ और कुछ संबंध नहीं है। तो चलो चाय को निकाल लिया जाए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को चाय। हो गया रेडी हम लोगों का विंटर स्पेशल जिंजर टी, देखा कितना आसानी से बन जाता है, कोई झंझट नहीं कुछ नहीं। अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है, मेरे को तो अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, जो लोग ज्यादा मतलब वो होता है ना, वो थोड़ा क्या बोलूं उसको, क्या बोलता है, अरे बोलता है ना कि ऐसे करके चाय बनाओ कि मेरा सिर दर्द हो रहा है तो वो सिर दर्द ठीक हो जाए, मतलब करवा करके थोड़ा कढ़ा करके जो चाय होता है, हार्ड टी जो होता है, तो वो नहीं होता है आपका टी में, कॉफी मेकर बोलो टी मेकर बोलो वॉट एवर, वो नहीं होता है। लेकिन जो आम इंसान खाते हैं वो वाला चाय काफी अच्छे से बन जाता है, यहां तक कि मसाला टी भी इसमें अच्छा बनता है। खैर मैं तो मसाला टी मेरे को उतना पसंद नहीं आता है, मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं, तो यही है। तो चलो आज आप लोगों के साथ शेयर कर भी, चाय तो चाय पीने में जितना ना मतलब मजा है, जितना अच्छा नहीं लग रहा अभी जो मैं सोच रही हूँ ना, इसका बाद का चीज भी आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी, बोली थी वो है कि वो क्लीनिंग का प्रोसेस वो सही में थोड़ा टाइम टेकन है। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि क्लीनिंग भी कैसे किया जाता है उसका। अभी चाय तो पीना हो गया, अभी इसको क्लीनिंग करना पड़ेगा, तो इसका क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो एकदम डिफरेंट है, तो चलो आज वो भी मैं दिखा देती हूँ क्लीनिंग कैसे होता है। तो क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग इसको ऐसे उठा लेंगे, इसको हम लोग साइड में रख देंगे, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए उसका अलग से। अभी इसको हम लोग खोलेंगे, खोल के ये जो स्ट्रेनर का पोर्शन है, ये स्ट्रेनर का पोर्शन हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग साफ करते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे साफ किया जाता है। ये जो स्ट्रेनर का ये है, ये सब हम लोग पूरा निकाल लेंगे और हम लोग डस्टबिन में इसको फेंक देंगे। अभी इसको साफ करेंगे, तो इसको साफ करने के लिए हम लोग क्या ना, पहले इसको पानी से, नॉर्मल पानी से धो लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चाय का पत्ती वगैरह यहाँ पर है, तो अच्छे से नल के नीचे इसको पकड़ेंगे और इसको धोएंगे।
ये देखो यहाँ पर जितना सारा चाय पत्ती जमा हुआ था मैंने उसको भी अच्छे से धो लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, स्कॉच ब्राइट लेंगे और उसमें थोड़ा सा जो भी डिश वॉशर आप लोग यूज करते हो, डिश वॉशर जेल, वो देके इसको हम लोग अच्छे से साफ कर लेंगे। हो गया ये हम लोग का अच्छे से पूरा साफ हो चुका है। ये अभी बारी आती है इसको साफ करने का। तो इसको साफ करने के लिए सबसे जरूरी जो है, आप लोगों को वहां पर जो दिया रहेगा गाइड बुक उसमें भी लिखा है, मैं भी आप लोगों को बोल देती हूँ, ध्यान रखिए इसको कभी भी ना तो कोई डिश वॉशर जेल ना तो पानी के नीचे कभी भी रख के इसको धोना नहीं है। इसके लिए ऐसे एक कॉटन क्लॉथ जो कि डैम्प क्लॉथ होना चाहिए थोड़ा, मतलब पानी में मैंने भिगो के इसको अच्छे से, इसका देखो पानी अभी बिल्कुल भी कुछ भी पानी नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा भीगा रहना पड़ेगा, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और इससे अभी हम लोग को इसको साफ करना पड़ेगा अंदर से। इसको पानी में इसीलिए हम लोगों को धोना नहीं है, पीछे देना नहीं है, क्योंकि ये इसके ऊपर रख के ये मेन चीज होता है तो फिर ये आपका खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ऐसे डैम्प क्लॉथ से आपको साफ करना है। ये देखो मेरा अच्छे से पूरा साफ हो गया। डैम्प क्लॉथ से साफ हो जाने के बाद तुरंत बाद जो करना पड़ेगा, एकदम ड्राई क्लॉथ ऐसा आप ले लो, मतलब एकदम सूखा कपड़ा, उससे तुरंत इसको पूरा पोंछ लो पूरा, मतलब कोई जरूरी नहीं है। मैं ये करती हूँ इसीलिए मैं भी आप लोगों को यही बोलूंगी कि बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप लोग खोल के रखो और खोल के रख के इसका जो अंदर का मॉइस्चर है वो आप लोग सुखाओ, पानी सुखाओ, तुरंत पोंछ दो अच्छे से सूखे कपड़े से, तो हर तरफ से सेफ्टी है। मैं तो एटलीस्ट यही करती हूँ इसलिए मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगी। बस देखो मेरा एकदम क्लीन हो गया, लेकिन मैंने सूखा कपड़े से पोंछा तभी भी, मैं इसको अभी खोल के मैं कुछ देर रख दूंगी। बिल्कुल इसी तरह मैं इसका ऐसे ढक्कन खोल के इसको मैं आधा घंटा के लिए फिर से और भी थोड़ा सा ड्राई कर लूंगी। तो बस हो गया हम लोगों का जो है केक कॉफी मेकर क्लीनिंग प्रोसेस भी मैंने दिखा दिया। आई थिंक शायद आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हो गया वो जो मेरा हो गया, मेरे को अभी लग रहा है थोड़ा निश्चिंत, क्योंकि वो सब फैला रहता है ना तो थोड़ा सा तो वो लगता ही है। तो चलो हो गया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये? आई थिंक शायद ये हेल्पफुल होगा क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में भी आप लोगों को बोला कि जो मैनुअल में लिखा रहता है उसका जो है उसे गाइडलाइन जरूर मिलता है, लेकिन एकदम कोई अगर करके दिखाता है वो आंखों देखा एक रिव्यू मिलता है, आंखों देखा गाइडेंस मिलता है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आई थिंक सो, मेरे को ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है लाइक करके कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो दूसरे के लिए भी शायद यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो फिर शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ। और नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना। तो आज के लिए बाय बाय।